नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। जबलपुर में जब आरटीओ संतोष पाल के यहाँ ईओडब्ल्यू छापा डालने पहुंची तो हैरान रह गई। आपको बता दें, हैरानी का कारण था कि जब उनके मकान यानी बंगले पर टीम पहुंची तो बंगले की आलीशान भव्यता देख के पहले तो हैरान हो गए। इतने लाखों रुपए का बंगला, वो भी संतोष पाल सिंह सेन आरटीओ के पास, इतनी अधिक राशि कहां से आई। इसको देखकर जब विभागीय अधिकारी अंदर पहुंचे तो मकान के पूरा मकान देखने के बाद वो देखते ही रह गए। इतना पैसा लगा था इस मकान के अंदर। आपको बता दें, यहां पर उनके पास 6 आवासीय मकान भी पाए गए। जांच के बाद एक i20 कार और 2 मोटरसाइकिल भी विभाग को मिली है। इसके अलावा और भी राशि उनके पास हो सकती है या और भी संपत्ति उनके पास हो सकती है, इसकी जांच लगातार ईडब्ल्यूई कर रहा है। ये कल रात में लगभग 10:30 बजे यहाँ पर शताब्दी पुरम में इनके निवास स्थान पर जबलपुर और सागर की ईओडब्ल्यू की टीम, संयुक्त टीम के द्वारा सर्च कार्रवाई प्रारंभ की गई है। मौके पर भी सर्च कार्रवाई जारी है। मौके से जैसे ही टीमें लौटती हैं और उसके बाद जो भी दस्तावेज या निवेश की जानकारी मिली है उसके आकलन के बाद इसके बारे में अंतिम जानकारी बताई जाएगी। फिलहाल अभी जो जांच में आया था, जो शिकायत आई थी, इसका सत्यापन कराया गया था। उस शिकायत सत्यापन पर यह पाया गया था कि जो इनके और उनकी पत्नी के आय के वैध स्रोत हैं उसकी तुलना में लगभग 650% संपत्ति इनके द्वारा अर्जित की गई है और व्यय किया गया है। उसके आधार पर जो है आय से अधिक संपत्ति का मामला पाए जाने से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और प्रकरण पंजीबद्ध करने के उपरांत इनके निवेश और संपत्तियों की जानकारी को जुटाने के लिए माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके सर्च कार्रवाई कल रात में टीमों के द्वारा अलग अलग स्थानों पर शुरू की गई है, जो मौके पर भी जारी है। सर, कुछ गहने, सोने के गहने, चांदी? हाँ, मिला है, सोने के चांदी गहने मिले हैं, कुछ कैश मिला है। इसके बाद अभी इसका रेजोल्यूशन करा रहे हैं, वो रेजोल्यूशन के बाद इसका अंतिम निर्णय लेंगे। सर, मासिक सैलरी क्या है जो वैध स्रोत थे उससे, उसकी तुलना में 650% व्यय संपत्ति होना पाया गया।